हेलो डियर्स, एक बार स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जो आज एग्जाम हुआ है मैथ्स का सेकंड शेडिंग का मैथ्स का आंसर के लिए करके आए हैं। तो फटाफट एक बार वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आते हैं, पता है, क्योंकि हम हड़बड़ी में नहीं, थोड़ा आराम से आंसर बनाते हैं और 100 का बिल्कुल 100% सही आंसर के लिए करके आपके सामने मौजूद हैं। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत सबका भाई वीडियो बनाता है। और देखो हमारे पास सेट एफ है, आपके पास जो भी सेट होगा मिला लीजिए, क्योंकि आंसर आपको मिलाना है कि सही मारे हैं गलत मारे हैं, ठीक है? तो आपके पास आंसर मिला जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। आपका सेट कोई भी हो, आंसर 100% सही है। अगला क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं। देखो हम डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे, सोल्यूशन हम कर चुके हैं, इसलिए इतना वेट टाइम लगा। क्वेश्चन है पहला हम लोग का कि वृत्त की परिधि का त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कितना? 7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को फिर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का कि वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इस त्रिज्या होगी कितनी? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? तो 3/4 भुजा स्क्वायर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण सी जो 90 डिग्री AC बराबर 6, तो AB के मान कितना होगा? देखिए कितना 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan बटा sec थीटा प्लस 1, इसका सूत्र कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 2 sec थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQO से जाने वाली एक रेखा Q से इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई कितनी होगी? तो 12 5 कैंसिल कर देना, रूट में 13 हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक सिक्के को उछालने पर पॉट आने की प्रायिकता, सुबह बताया क्वेश्चन 1/2। अगला प्रश्न, एक पासे को स्थित फेंका जाए तो उसके ऊपर आने वाले दो पासों स्थित फेंका जाए तो उसके ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता, तो उसको कितना हो जाएगा? 6 ऐसे योग आते हैं, इसको जोड़ने पर आपका 10 हो सकता है, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9 का A/6 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि साइन 90 गुणा टैन 90 गुणा कॉस 30 का कितना? रूट 3/2। क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद गेंद है, तो यदि छह गेंद निकला जाता है तो न लाल न सफेद, यानी कैसे जी हरा गेंद, हरा 5, हरा कितना है? 8/2 कितना हो जाएगा? तो 8/2 जोड़ दिए, 8 7 15 15 5 20, 8/20 करा दिए, 2 4 8 2 5 5 20, 2/5 हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर निकाला। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर A/B, तो sin थीटा मान अंडर रूट बी स्क्वायर A/B। अगला क्वेश्चन है कि √1 - sin A/1 plus cos sin A का मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। अगला प्रश्न है कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका मान निकाला गया, इसका मान निकालने पर कितना है? 1/3 आएगा। क्वेश्चन है कि A = 45 डिग्री, तो sec A plus cos A का मान कितना होगा? तो 2/2 होगा। क्वेश्चन अगला है, एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया से बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगी? तो 30/3। क्वेश्चन है कि α/β = 30 डिग्री, तो cos अल्फा बेस यानी cos 60 के मान, तो cos 60 में कितना होता है? 1/2 होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 tan 30 / 1 - tan²30 का मान कितना होगा? तो इसका मान हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि tan, देखो ये बताएगा, सुबह बताएगा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि tan 5 डिग्री tan 30 डिग्री 4 tan 85 डिग्री इसका मान कितना होगा? तो इसका मान हमारा हो जाएगा कितना? 4/√3। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद px = 6x² + -7x - 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो प्लस बीटा का मान, तो -b/6 यानी कि 7/6। अगला प्रश्न हो जाएगा कि x² + x + b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान कितना होगा? तो a मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद इसका शून्य 0 और 5 है? तो इसको शून्य निकाल के देख लीजिएगा, ये आपका बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग का, ए के
जिसके मान एक मान जिसके लिए समीकरण निकाय कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा तो एक मान कितना पर चार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। क्वेश्चन 25 हम लोग का है कि 2x² + 5x - 12 का मूल कौन सा होगा, तो इसका मूल निकालने पर 2 का मूल आएगा, तो एक मूल उसमें सबका -4 होगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन है कि 3√3x² + 10x + √3 का विभेजक क्या होगा, तो 64। अगला प्रश्न है कि 234 का भाग गुणनफल में 3 का घात कितना होगा, तो कितना होगा, 2 होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्य को का योग तथा गुणनफल -3,2 हो तो बहुपद क्या होगा, तो x² + 3x + 2। अगला क्वेश्चन है कि एक घात और बहुपद कहलाता है रैखिक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, त्रिघात का होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रखा है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक शंकु कि बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1:3। क्वेश्चन अगला है कि 10^45 - 10^30 / 1 - 1 + 10^45 × 10^30 इसका मान कितना होगा, बचवा इसका मान निकाला गया था √3 - √3 + 1। 34वां क्वेश्चन है हम लोग का, ए जो है x,2, बी है -3 - 4 और सी है 7,5, संरेखीय है तो एक से मान बोल रखा है, तो संरेखित इसका मान कितना आ जाएगा, -63। अगला प्रश्न हम लोग का 35वां क्वेश्चन कह रखा है कि ये बिंदु ई भी संरेखी है तो कह रखा है इसका क्षेत्रफल की बात कर रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि 4,a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो एक मान बताइए, तो एक मान कितना आपका आ जाएगा, तो एक मान आपका आ जाएगा 1। अगला प्रश्न हम लोग का है 37वां क्वेश्चन कि x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 के उभयनिष्ठ मूल कौन है, मतलब दोनों को उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, दोनों को उभयनिष्ठ कौन आएगा, तो 37 में आपका नहीं बी होगा, इसका 3 होगा, -3 है। अगला प्रश्न वो कहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है, तो PA PB की लंबाई क्या होगी, PA 5 है तो PB की लंबाई, तो PB कितनी होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न की बढ़ा जाएगा, कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर इसका तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि 13 और 17 का माध्य कितना होगा, तो 15 होगा। कि 42 व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1386। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:23 क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए 16:9। एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्या दोनों बराबर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 10^30 / sin^30 और sec^60 का मान कितना होगा, था 1/√3। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई, तो θ/360 2πr बोल रहा है कि माइनस प्लस किस में होते हैं, तो दूसरा में। अगला प्रश्न है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी 3,4 है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से -4 - -6 की दूरी क्या हो जाएगी, तो 2√13। क्वेश्चन है कि 4, 5 और -3, 2 से बीच की दूरी कितनी होगी, तो 58 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 2,6। sin²³/sin²³³ मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि tan√3 tan θ/√3, तो थीटा मान कितना होगा, sec थीटा का मान, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि cos θ + sec θ / 5/2, तो cos²/sec²θ मान कितना हो जाएगा, cos²/sec²θ मान कितना हो जाएगा, तो 17/4। cos²/tan²³³ मान कितना होगा, तो 1 होगा। अगला प्रश्न कि cos 20° sin 70° + sin 20° cos 70° मान कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगला प्रश्न कि sin 38 - cos 52 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे कि 3 सीओए से चला जाता है, तो तीनों परिकीय परिणाम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का है कि PE = 0.5 है, तो PE0 का मान कितना हो जाएगा, तो 0.95। अगला प्रश्न हम लोग का है कि sin²θ - 1
माइनस वन बटा में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखो यही लड़का बहुत सारा बहुत गलती की है, इसको थोड़ा चेंज करें, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक, यानी कि माइनस एक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्य कितना होगा, इसका माध्य कह रहा है इसका माध्य कितना होगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका बहुलक, इसमें पूछा इसमें बहुलक कौन है, तो बहुलक आपका 7 है। अगला प्रश्न इसका वर्ग चिन्ह क्या होता है, जोड़ों दोनों को जोड़कर 2 से भाग तो कितना हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल कितना है, तो 2, 3, 5, 3 होगा। क्वेश्चन है कि sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा हम लोग का 65 का, तो प्रश्न कितना हो जाएगा बी हो जाएगा tan इंटू sec है। अरे यदि 4 लगता है विषम संख्याओं का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान। क्वेश्चन अगला हम लोग बर्ता बंडन के माध्य तथा बहुलक 28 और 16 है, तो इसका माध्य कुछ रखा है, इसका माध्य कितना आपका आएगा 24, कितना रहेगा 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 45 टेन 45 से बताया इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा। अगला क्वेश्चन है शंकु का पूर्ण यानी शंकु कुल पृष्ठ है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल करें कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है तो उसके धार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, कितना हो जाएगा तो 5:9 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3 है तो इसका सर्वांतर -3। क्वेश्चन अगला हम लोग का है कि यदि किसी त्रिभुज की बिंदु का निर्देशांक दिया गया है तो अरे केंद्र ज्ञात करें, तो केंद्र 3.5 करें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय 264 है और आयतन 924 है तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, व्यास और ऊंचाई तो 6:7। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज केंद्र मूल हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी यू सूत्र क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन इसका होना चाहिए आज 3ABC होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि किस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा आपका कितना 6 आएगा। कह रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफल का अनुपात 16:21। कह रखा है कि दोनों समरूप हैं तो DEF का क्षेत्रफल कह रखा है, तो DEF का क्षेत्रफल 125 होगा। कह रखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 और कह रखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो परिधि कितना होगा 88 होगा। दोनों सेम क्वेश्चन बड़ी इजी प्रश्न दिया है, कह रहा है कि इसको बटा में लिखिएगा तो ये जो घात लिखते हैं कैसे लिखते थे, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 आएगा। कह रखा है कि साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो 1 cos²θ। अगला प्रश्न है कि समीकरण युग्मन 3x-2y इसको हल करने पर कह रखा है एक्स वाई के मान, एक्स मान 5y के मान 9 आएगा। अगला प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिए गए हैं तो वाई के मान कितना होगा, वाई के मान कितना होगा, तो वाई में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 6, 9, 12 का सर्वांतर कितना होगा, तो 3 होगा। अगला प्रश्न है कि साइन 10 के तो कॉस 80। अगला क्वेश्चन है कि 8, 5, 2 का 40वां पद कितना हो जाएगा, -106 होगा। कर 88 में कि AP 11, 15, 19 का 51वां पद 51 कौन सा पद होता है, ग्यारहवां पद। कर 1/2 किसका मान होता है, कॉस 45 का। टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, थीटा है तो थीटा मान बताइए तो कितना 60 हो जाएगा। कर क्वेश्चन में कि 0.49 को डिवाइड किया तो कितना 49/99 कभी क्वेश्चन बताया गया क्वेश्चन है। कर क्वेश्चन की इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है कि बहुपद का शून्य किनमें से कौन होगा, इसका शून्य निकालिएगा तो कौन आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा, तो घात इसका 2 होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हल करके कौन सा सी नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है 96वां क्वेश्चन की पी क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मौसम कितना होगा, इसका मौसम हो जाएगा P²Q। साइन 9 - θ माइनस कॉस थीटा मान कितना होगा, साइन 9 - θ क्या होता है कॉस थीटा, कॉस में से कॉस कितना हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 2^3 × 3 और b बराबर 2 × 3 × n तो करें कि LCM तो n के मान, n मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन है कि परिमेय और परिमेय संख्या का ये
गुणनफल दिया गया, दोनों को हल करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों को हल करेंगे कितना आएगा, चार आएगा, चार एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस बारह के शून्य कितना हो जाएंगे, दो को माइनस छ होंगे। हमने सौ के सौ ऑब्जेक्टिव कर लिया, आपका पचास लगाना था, पचास में आप कितना सही किए हैं जरूर कमेंट करिएगा, और हाँ वीडियो जरूर सही, क्योंकि बहुत मेहनत बनाई गई है। ओके चलो, और हाँ तुरंत ही हम लोग लाइव क्लास करेंगे किस चीज का, साइंस का, साइंस का वायरल प्रश्न करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न होगा, तो सभी को जरूर जुड़े।